ये लाहौर से ये सवाल हैं, कुछ एक बहन ने भेजे हैं। कहती हैं, मेरे जहन में ये सवाल रहता है कि आपको अक्सर आका कहकर मुखातिब किया जाता जी है, इस लफ्ज़ के माना क्या हैं और क्या खुदा के अलावा किसी को आका कहना सही है? सवाल ये है कि जहाँ तक मुझे कहा जाता है, मुझे तो इससे बड़ी उलझन सी होती है, एम्बेरसमेंट महसूस होती है। लेकिन ये कहना कि खुदा के सिवा किसी को कहना जायज़ नहीं, ये गलत है। बल्कि आका तो एक आम लफ्ज़ है और ईरान में इसे आगा कहा जाता है, और अपने बड़ों के लिए सब वहाँ आगा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आका का लफ्ज़ तो हर मातहत अपने अफसर के लिए इस्तेमाल कर सकता है और करता रहा है और अब भी होता है। जहाँ तक मज़हबी दुनिया का ताल्लुक़ है, इसमें सबसे ज़्यादा प्यारा इतलाक़ हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता है, जो हम सब के आका हैं। और मैंने अपने एक नात में भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इसका शिर्क से कोई ताल्लुक़ नहीं, आम रोज़मर्रा इंसानों में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, और रूहानी ताल्लुक़ के लिहाज से अल्लाह ताला पर भी लफ्ज़ ये लफ्ज़ बोला जा सकता है। लेकिन ये मुराद नहीं है कि आका सिर्फ खुदा का एक खिताब है जो दूसरों पर इतलाक़ बाज है तो उससे शिर्क पैदा होगा।